जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिया शर्मा पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग करना सिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग देख ही सकते, मैं आप लोगों को ये वाली भाग, ये वाली भाग और ये वाली और ये वाली भाग करना सिखाऊंगा, जिसमें से ये वाली भाग तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको अगर नहीं कर पाते दोस्तों, तो ये वाली सब भाग तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देखिएगा। चलो दोस्तों, मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। सबसे पहले भाग ये सीखेंगे, फिर ये सीखेंगे, फिर ये और लास्ट में ये वाली भाग। दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाली भाग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको जरूर देखिएगा। चलो दोस्तों, सबसे पहली भाग को हम सीखते हैं। तो पहली भाग हमारे पास क्या है, ये है। हमें दो से भाग किसको देना है, एक को देना है। यहाँ पर दो है और यहाँ पर एक है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, आप देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो दोस्तों दो बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है। अब ये वाली संख्या छोटी है और ये वाली संख्या बड़ी है, तो इसका भाग हम लोग देंगे कैसे, ये आपको कैसे पता चलेगा। दोस्तों जब भी संख्या, अगर ये वाली संख्या इस संख्या से छोटी हो जाती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तब इसका भाग नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बड़ी संख्या होनी ही चाहिए जब हम भाग करेंगे। तो दोस्तों बड़ी संख्या यहाँ पर बनाएंगे कैसे, अब बड़ी संख्या बनाएंगे कैसे, तो बड़ी संख्या दोस्तों जब हम लोग यहाँ पर कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, जब भी दोस्तों यहाँ पर अगर छोटी संख्या रह जाती है और यहाँ पर बड़ी संख्या होती है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर बढ़ा लेंगे जीरो। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा लेंगे और यहाँ पर बढ़ा लेंगे जीरो। अब यहाँ पर कौन सी संख्या बन गई, दस बन गई। क्या है, दस। अब यहाँ पर दस और यहाँ पर दो है, अब ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या है। तो दोस्तों अब इसका भाग इसमें चला जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, अब दो का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि दस आ जाए या दस से कम आ जाए, लेकिन दस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं दो का पहाड़ा। तो दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तय छः, दो चक्कू आठ, दो पंचे दस। आ गया ना दस, कितनी बार में दोस्तों आया, तो दो का पढ़ा हमने पांच बार पढ़ा और हमारे पास क्या आ गया, दस आ चुका है। अब दोस्तों दस आ गया है ना, तो पांच बार पहाड़ा पढ़ने के बाद, तो दस आया, तो पांच हम यहाँ पर लिख देंगे, जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे उतना हम यहाँ पर लिख देंगे, और दस दोस्तों जो आया, दस को हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। चलो कर लेते हैं, जीरो में से जीरो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, एक में से एक जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा, और इस तरीके से हमने ये पहली भाग को तो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे अपनी दूसरी भाग की तरफ। अब दूसरी भाग हमारे पास क्या है, हमें पाँच से भाग देना है, किसको, दो को भाग देना है। किसको देना है, दो को भाग देना है। अब दोस्तों ये वाली संख्या बड़ी है और ये वाली संख्या छोटी है, तो इसका भाग इसमें जाएगा कैसे। तो दोस्तों इसका भाग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी, और बड़ी संख्या बनाने के लिए हमने आपको क्या बताया था, जब संख्या हमारे पास नहीं होती और हमें बड़ी संख्या बनानी पड़ती है, तो दोस्तों हम जैसे यहाँ पर दशमलव लगाए थे, यहाँ पर भी हमें दशमलव लगाना पड़ेगा, और जैसे ही यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर हम जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कर लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पर संख्या कितनी बन चुकी है, बीस, और यहाँ पर कौन सी है, पाँच। अब दोस्तों पाँच का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि बीस आ जाए या बीस से कम आ जाए, लेकिन बीस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पाँच का पहाड़ा। तो पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी दस, पाँच तय 15, और पाँच चक्कू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितनी बार में दोस्तों 20 आएगा, तो पाँच का पहाड़ा हमने चार बार पढ़ा है। चार बार दोस्तों जब पहाड़ा पढ़े हैं, तो चार को हम यहाँ पर लिख देंगे, और कितना आया है, 20। तो 20 को दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करें, अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। तो जीरो में से जीरो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और दो में से दो जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा, और इस तरीके से हमने ये दो भागें तो कंप्लीट कर ली हैं। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली दो भागों की तरफ। दोस्तों अब हम इन दो भागों को भी कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि आप इसमें कोई गलती ना करें, बहुत ही आसानी से इन चारों के चारों भागों को कंप्लीट कर पाएं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, अब दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भागे हैं आप लोगों के लिए। क्या है, हमें तीन से भाग देना है, किसको, 605 को। किसको देना है, 605 को। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप लोग इधर क्या देखेंगे, पहली संख्या देखेंगे, कौन सी है पहली संख्या, 6 है, यहाँ पर तो तीन है ही। अब दोस्तों यहाँ पर 6 और यहाँ पर तीन है, अब इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप सभी लोगों को पता है इसमें से 6 संख्या बड़ी है और तीन छोटी संख्या है। अब ये वाली संख्या बड़ी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीन का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं किसका, तीन का पहाड़ा। तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, आ गया ना छः। कितनी बार दोस्तों पढ़ा, पढ़ने में तीन का दो बार पढ़ा। अब दोस्तों दो बार पढ़ा पढ़ा है, तो दो हम यहाँ पर लिख देंगे, और कितना आया, छः।
छः आया, छः को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। चलो कर लेते हैं, तो छः में से छः जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचता तो हम यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमने यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाया है, अब क्या करेंगे, अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पर तो अब कुछ भी संख्या, कोई भी संख्या नहीं बची, तो हम क्या करेंगे, हम उतारेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या हमारे पास कौन सी है, जीरो। अब दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पर जीरो को उतारा, तो यहाँ पर जीरो और यहाँ पर तीन है, तो इसका भाग फिर से इसमें नहीं जा पाएगा। अब भाग नहीं जा पाएगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम उतारेंगे अगली संख्या, क्योंकि हमें भाग तो करना ही करना है ना। तो यहाँ पर क्या है, अगली संख्या उतारेंगे, लेकिन जब हम एक संख्या को पहले यहाँ पर उतार चुके हैं ना, जब हम लगातार इधर की जब दूसरी संख्या को उतारेंगे ना, तो हमें यहाँ पर जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर जीरो नहीं बढ़ाएंगे और डायरेक्टली दूसरी संख्या को भी हम यहाँ पर उतार लेंगे, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ना, ये गलत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगली संख्या को भी उतार लेंगे। कौन सी अगली संख्या, पांच, तो पांच को हम भी यहाँ पर उतार लेंगे। और जैसे ही हमने पांच को उतारा यहाँ पर, तो जीरो पांच हो गई ना, तो ये संख्या कौन सी बची, सिर्फ पांच बची, और यहाँ पर कौन सी है, तीन है। अब दोस्तों हम तीन का पारा इतनी बार पढ़ेंगे कि पांच आ जाए या पांच से कम आ जाए, लेकिन पांच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो पढ़ते हैं तीन का पारा, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः। सिर्फ हमने दो बार पढ़ा पड़ा तीन का, तब भी हमसे इस पाँच से ज़्यादा हो गया, तो हम छः को तो लिख नहीं सकते, और तीन के पहाड़े में पाँच आया नहीं है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पाँच से कम वाली संख्या को लिखेंगे जो पाँच के पास में हो। तो वो कौन सी है, तीन है। तीन पाँच से कम भी और पाँच के पास में भी है, तो तीन एकम तीन, एक बार दोस्तों तीन का पहाड़ा पढ़ेंगे और तीन हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। पाँच में से तीन जाएगा, दो बचेगा। अब ये दो बचा है ना, ये हमारा क्या बचा है, शेष फल बचा है। क्या बचा है दोस्तों, शेष फल बचा हुआ है। अगर आप लोग दशमलव वाली भाग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग फिर से दशमलव लगाइएगा, यहाँ पर जीरो बढ़ाइएगा, फिर से भाग को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर आपको बेसिक रूप से भाग करना सिखाया है, तो आप इस तरीके से इसको समझिएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये लास्ट वाली भाग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग थी, इसलिए मैंने आपको लास्ट तक रोक कर रखा हुआ था। अब दोस्तों इसको समझिएगा, भाग क्या है, हमें 9 से भाग देना है किसको, 27021 को। क्या करना है, हमें सबसे पहली संख्या देखनी है, कौन सी है, 2 है। यहाँ पर कौन सी है, 9 है। यहाँ पर दो छोटी संख्या और यहाँ पर 9 बड़ी संख्या, तो इसका भाग इसमें नहीं जा पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी, और बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें यहाँ पर दो संख्याओं को लेना पड़ेगा। किसको किसको, 2 और 7 को। यहाँ पर जैसे ही हमने 2 और 7 को लिया, संख्या बन गई हमारे पास 27। अब 9 का पढ़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 27 आ जाए या 27 से कम आ जाए, लेकिन 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 9 3 27। कितनी बार पढ़ा पड़ा दोस्तों, तो 9 का पढ़ा हमने 3 बार पढ़ा, और 27 हमारे पास आ चुका है। अब 3 बार पढ़ा पड़ा है, 3 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 27 आया, 27 को दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। 7 में से 7 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 2 में से 2 जाएगा, तो भी कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। अब कुछ नहीं बचा है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम उतारेंगे अगली संख्या। अगली संख्या कौन सी है, 0। तो 0 जैसे ही हमने उतारा, तो यहाँ पर तो 0 और यहाँ पर 9 है, तो इसका भाग तो इसमें जा नहीं पाएगा ना, तो इसका भाग नहीं जा पाएगा, तो हम उतारेंगे अगली संख्या। तो अगली संख्या जैसे ही उतारेंगे, लेकिन हमने एक संख्या तो यहाँ पर उतार चुका हूँ मैं, लेकिन जब इधर की हम लगातार संख्याओं को, जितनी संख्याओं को अब उतारेंगे, एक संख्या को उतारने के बाद उतने हमें यहाँ पर 0 बढ़ाने पड़ेंगे। तो एक संख्या तो हमने उतार लिया, अब जितनी संख्याएं उतारेंगे उतने 0। तो एक संख्या पहले हम उतार लेते हैं 2 को, तो हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे 1, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर हो गया 0 2, तो इसका अभी भी ये 9 है, यहाँ पर 0 2 है, ये छोटी संख्या है ना, तो इसका भाग तो इसमें नहीं जा पाएगा, तो हम फिर से अगली संख्या को उतारेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बड़ी संख्या बनानी ही बनानी है ना। तो हम फिर से अगली संख्या 1 को जब उतारेंगे यहाँ पर, तो हमें फिर से यहाँ पर 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने 1 0 और बढ़ा लिया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 0 21। अब ये 21 दोस्तों हो गया, और यहाँ पर हो गया 9। अब ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या। अब 9 का पारा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 21 आ जाए या 21 से कम आ जाए, लेकिन 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। 27 ज़्यादा हो गया 21 से, तो इसको तो हम लिख नहीं सकते, तो किसको लिखेंगे, और 9 के पारे में 21 आया नहीं, तो 21 से कम वाली संख्या को लिखेंगे जो 21 के पास में हो, वो 18 है। 18 21 से कम भी है और 21 के पास में भी है, तो 18 कितनी बार में आएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 बार में आएगा दोस्तों, तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 18 आया है, 18 को दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, 1 में से 8 जाएगा नहीं, तो जैसे लेंगे हासिल, यहाँ पर जाएगा 11, 11 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा 3, और यहाँ पर 2 था हमने इधर हासिल दिया, तो यहाँ पर बचेगा 1, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। और जो 3 बचा है ना, ये हमारा क्या बचा है, शेष फल बचा है।
क्या बचा है दोस्तों, ये हमारा बचा है शेषफल। तो इस तरीके से हमने ये चारों की चारों भागों को कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।